हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारे सामने टाटा की नेक्सॉन, जो कि भाई अपनी फैमिली का एक हिस्सा है। जिसने इस गाड़ी की रिव्यू वीडियो प्लस डिलीवरी वीडियो नहीं देखी है, वो आई बटन से जाके देख सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कैसी लगी वीडियो। बाकी भाई बहुत लोग सोच रहे होंगे यार कवर तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो भाई ये उन लोगों के लिए जिनके पास टाटा की गाड़ी है, टाटा की गाड़ी है प्लस एल्ट्रॉस पंच या फिर जो भी, जिनके कीलेस एंट्री आती है ये वाले, तो भाई ये कवर है 400 रुपये का। जिसको भी चाहिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे आके मेरे को मैसेज करें, मैं उनको डिलीवरी से शिपिंग सब करवा दूँगा। और तो भाई आज हम ये वीडियो का बनाने का ये मकसद है भाई, ये इस गाड़ी को हो चुके हैं 6 महीने, तो 6 महीने हो चुके हैं, इसकी दूसरी सर्विस भी होने वाली है, तो भाई क्या क्या इसमें कमी आती है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे 6 महीने जो आप लेने की सोच रहे हो टाटा नेक्सॉन, भाई क्या मैं फैमिली के लिए लूँ या ना लूँ, और क्या क्या दिक्कतें इस गाड़ी के लेने के बाद आती है। तो भाई चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉब्लम से। तो भाई गाड़ी बहुत अच्छी है, कलर भी बहुत बढ़िया है ये, लेकिन इस कलर में, ब्लैक कलर में ये प्रॉब्लम है भाई, ये बिना सफाई के चल नहीं पाएगा। जैसे आज आपने कपड़ा मारा तो अगले दिन मारना ही मारना पड़ेगा। बाकी जो मेंटेन कर सकता है भाई, जिसको लगा वो। बाकी आप देख सकते हैं इसका अपने लुक वुक सब, बॉडी अभी सही है, इतना मैंने गड्ढों में भी चलाई है, और इसको रोड ट्रिप पर भी ले गया था, अगली वीडियो आने वाली है, मथुरा ले गया था इसको। तो बाकी आप देख सकते हैं साइड से अपना गाड़ी का लुक ऐसे आता है, एलॉय व्हील अपने ब्लैक है, और बाकी पीछे से एक बार हिस्सा देख लो रियर लुक इसका, तो रियर लुक भाई ऐसा है इसका। भाई जिस पर अलग अलग कलर की नेक्सॉन है, मैं सजेस्ट करूँगा ये जो वाइट पट्टी होती है ना, इसको ब्लैक करा लो, बहुत अच्छा लुक आ जाएगा आपके। तो भाई कमी से स्टार्ट करते हैं, अंदर चलते हैं गाड़ी में। ये इसकी की अनलॉक है गाड़ी। तो भाई हम लोग आ चुके हैं अपनी टाटा नेक्सॉन की डार्क एडिशन में। जिसने भाई इसका इंटीरियर का भी वीडियो देखना हो तो स्पेशली मैंने आई बटन पे लिंक दे देता हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। भाई एफएम बंद कर दूँ, कॉपीराइट का डर है। तो भाई ये इसका मीटर है। तो भाई प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं, इसे स्पेशली प्रॉब्लम के लिए है ना वीडियो। तो भाई देखो, जब चलाओगे आप तो ये वाला जो पिलर दिख रहा है आपको, ये पिलर, ये आपको दिक्कत करने वाला है। जैसे आप कहीं भी मोड़ोगे ना, तो जैसे आप ऐसे करके देखते हो तो ये वाला हिस्सा ब्लॉक कर देगा। प्लस ये जो मैंने रेन वाइजर लगाया ना, मेरे को लगता है इसको ट्रांसपेरेंट लगवाना चाहिए था, क्योंकि भाई ये देखो पूरा डार्क है, वैसे इतना मोटा है और इसने और कवर कर ली, तो और बाकी ये मिरर कर लेता है। जब ऐसे देखोगे तो इतना एरिया देख लो पूरा ब्लॉक हो गया, तो सेफ थोड़ा सा झुक के ऐसे करके देखना पड़ता है। तो भाई अब बहुत लोग कहेंगे कि सेफ्टी है तो ये तो हो गई, लेकिन भाई डिज़ाइन है, ये प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं, प्रॉब्लम होती है। और बाकी अपनी प्रॉब्लम यह है कि जो अपना स्टीरियो है ना, ये अभी तो सही चल रहा है, लेकिन कभी कभार बीच बीच में ये हैंग हो जाता है, कुछ सेकंड के लिए हैंग हो जाता है, तो भाई ये भी इसमें प्रॉब्लम है। बाकी स्पीकर बहुत अच्छे हैं इसके, और इसका जो रिवर्स कैमरा भाई बहुत बेकार है, क्लियरिटी बिल्कुल है ही नहीं। मतलब आपको कैमरे में जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना इससे, इसमें दिख रहा होगा, लेकिन भाई इसमें बिल्कुल क्लियर नहीं है। बस ये है कि आपको बैक हो जाएगी गाड़ी, क्लियरिटी नहीं आएगी, प्रॉब्लम ये। दूसरी ये हो गई हैंग होने वाली। तीसरी ये है कि भाई इसके ना इंजन नॉइज़ बहुत है और वाइब्रेशन भी फील होती है। बहुत लोग कहेंगे टाटा का इंजन है तो भाई होना ही, हाँ भाई वो तो होना ही है। हमने इनने फेज़ टू जो आया ना BS6 का फेज़ टू, उसमें इनने बहुत इंप्रूवमेंट कर दिए, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन कम कर दिए, इंजन नॉइज़ कम कर दिए। भाई ये स्टार्ट होती है तो इंजन नॉइज़ बहुत आती है। एक बार इसका हम इंजन नॉइज़ सुनेंगे, मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं रिकमेंड करूँगा आप हेडफोन लगा लें या ईयरफोन लगा लें, जो आपके पास अवेलेबल हो, तो सुनो। तो भाई देखो आपको आवाज़ आ रही होगी, स्टार्ट हो चुकी है, 1000 RPM पे ऐसी आवाज़ आती है। तीन पे इतनी आती है। तो भाई इंजन नॉइज़ इसमें अंदर आता है वैसे तो, अब शीशे खुले हुए हैं तो ज़्यादा आ रही है, लेकिन आती है भाई, और वाइब्रेशन है भाई। मैं अभी पानी की बोतल नहीं लाया, वरना आपको दिखाता कहीं रख के कि कितना वाइब्रेशन है। बाकी ये मोड अच्छा काम करता है, स्पोर्ट मोड पे इसका एवरेज बिल्कुल गिर जाता है, 10 से 11 का हो जाता है। ईको मोड पे इसको आप हाईवे पे ज़्यादा से ज़्यादा खींच सकते हैं 22-24, अगर स्पीड 100 की रहेगी आपकी तो एवरेज 19 से 20 आएगा, ये है इसका एवरेज। बहुत लोग कहते हैं एवरेज कैसा है। और भाई इसकी लाइट है बहुत अच्छी है, लाइट इसकी बहुत अच्छी है आपकी। बाकी चौथी प्रॉब्लम ये है कि भाई इसमें जो आगे तो अच्छे से आराम से आदमी बैठ सकता है, लेकिन पीछे से ना, जैसे आप बैठ तो जाओगे, जैसे यहाँ पे आप बैठ गए ठीक है, ये बैठने के बाद ना कंफर्टेबल है सीटें, लेकिन आप जब उतरोगे ना, जब यहाँ से या कोई भी पीछे आपको फैमिली मेम्बर उतरेगा, तो भाई ये चीज़ है, देखो ये चीज़ शरीर में लग रही, थोड़ा प्रॉब्लम होती है उतरने में, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उतरने में। बाकी ये चीज़ आप ज़रूर लगा लेना, ये जैसे ही आप चढ़ते उतरते तो यहाँ पे स्क्रैच से बचाता है ये चीज़। तो ये इसका भी मैं आप कमेंट पे, डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप ले लेना।
बाकी भाई बहुत अच्छा इंटीरियर है इसका, इंटीरियर में कोई कमी नहीं है, बस ये उतरने में और दिक्कत होती है। और इसमें प्रॉब्लम, पांचवी प्रॉब्लम ये है कि जैसे उसमें रीडिंग लैंप वहाँ दिया है ना, तो भाई पीछे तक लाइट नहीं आती है, पीछे वाले बंदे को अपने फ्लैश लाइट जलानी पड़ती है फ़ोन की। तो ये वाला एरिया मेरे को लग रहा है इनको दे देना चाहिए था यहाँ पे जलाने के लिए अपना रीडिंग लैंप या लाइट। बाकी भाई इसका इंटीरियर बहुत अच्छा है, ये आप देख सकते हैं। इसमें ये कमी है कि अपना आप देख सकते हैं यहाँ पे ना USB है, ना टाइप सी है, ना इसमें अपने वेंट को कंट्रोल करने के लिए। तो भाई ये चीज़ मेरे को बहुत कमी लगी। और ये भाई एडजस्टेबल नहीं है, ये एडजस्टेबल होने चाहिए थे। कभी कभार ये होता है ना, जैसे आपको कोई आप छोटे हाइट में या फिर जिनको थोड़ा कंफर्ट के लिए आगे चाहिए, तो भाई ये इसको फिक्स है, ये चीज़ नहीं कर सकते। ये मेरे को बहुत बुरा लगा इसमें। और बाकी अपना वोटर होल्डर यहाँ पे है नहीं, अपने को साइड साइड में रखने पड़ते हैं। और भाई एक बार इसकी आपको क्वालिटी दिखाऊं, इंजन को तो मतलब लोग कहते हैं ना टाटा में ये कमी ये कमी, तो भाई कमी तो थोड़ी बहुत होती है हर गाड़ी में, लेकिन भाई देखो क्वालिटी कैसी है इसकी, एक बार दिखा देता हूँ आपको। एक चीज़ देख के आपको हंसी आने वाली है, ये अपना बोनट यहाँ से हमने खोल दिया, तो भाई ये इसका इंजन कंपार्टमेंट है। भाई फिनिशिंग बहुत बेकार है, ये देखो जैसे ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने वही कर दिया हो, हाथ से बेंड करके कर दिया हो, क्वालिटी है ही नहीं। और प्लस देखो भाई 40 रुपये वाला पाइप लगा दिया, जो घर में जो लगता नहीं है सिंक में, वो वाला पाइप लगा दिया ये वाला। बाकी देख सकते हैं फिनिशिंग कैसी है। इंजन नॉइस भाई ज़्यादा आता है हिंडाई और इन सब के मुकाबले, लेकिन है अच्छी। बाकी यहाँ पे इनने कपड़ा लगा रखा है, देखो भाई। बाकी बोनट बहुत अच्छा है, मतलब ये सब चीज़ें इंप्रूव हो सकती है, काश ये जल्दी कर दें। बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है, चलाने में स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। बाकी टायर देख लो, टायर भी अच्छे हैं इसके, गुडियर के। साइड से लुक ऐसा आता है। और अपने फॉग लैंप अपने मैनुअल है इसको ऑन ऑफ करने के लिए। बाकी कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए ध्यान रखें, इसके और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं।